की मामला तुसी अज इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ते जिहड़ी क्यों टैक्सां दी घट करन दी मंग कर रहे हो? पहला दिवाली वेले 10 to 15 रुपये कटौती की गई जिहदे नाल पंजाब दे पेट्रोल पंप मालकां 150 करोड़ रुपये का घाटा पै गया। हुण जिहड़ा 7 to 9 रुपये फिर दोबारा 21 मई नूं कटौती गई है, इहदे नाल साडियां जेबां दे विच 200 करोड़ रुपये दे लगभग पैसा जिहड़ा पंजाब दा डीलरां दा चला गया। अगर कुल आपां गल करिए तां पंजाब दा 300 करोड़ दे करीब, तो जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान दा गल करिए 3000 करोड़ जिहड़ा हैगा टैक्स जिहड़ा भरिया सीगा एक्साइज ड्यूटी करना जेबां चों पंजाब गया पंपां दे लवे। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल ते मैं सुखजिंदर मान। पिछले दिनों दे विच देश वासियों नूं वड्डी राहत दिंदे हुए मोदी सरकार ने टैक्सां दे विच वड्डी राहत दित्ती सी, परंतु जिहड़े पेट्रोल पंप मालक है वो इस राहत नूं अपने लिए वड्डा नुकसानदेह मन रहे हैं। अज इत्थे बठिंडा दे विच पेट्रोल पंप मालक इकट्ठे हुए है जिन्हां इस मामले ते पुनर्विचार करन दा ओह कीता है। साडे नाल जिला पेट्रोलियम पंप एसोसीएशन दे प्रधान विनोद बंसल जी हैगे है, उन्हां नूं पुछदे हां वी की कारण है। विनोद जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल वीर जी, की मामला तुसी अज इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ते जिहड़ी क्यों टैक्सां दी घट करन दी मंग कर रहे हो? वीर जी, गल इह है वी समझण दी गल है वी रेट घटदे जां वधदे है सानू कोई इतराज़ नहीं है। दूजा, जो टैक्सिस घट करके लोगों नू राहत दिती है असी इस फैसले का मोदी सरकार का धन्नवाद करते हैं ते खुशी जाहिर करते हैं। पर हुण जिहड़ी गल है समझण दी गल है वी जिहड़ा टैक्स है ये कटौती की एक्साइज ड्यूटी च, पहला दिवाली वेले 10 to 15 रुपये कटौती की गई जिहदे नाल पंजाब दे पेट्रोल पंप मालकां नूं 150 करोड़ रुपये का घाटा पै गया। हुण जिहड़ा 7 to 9 रुपये फिर दोबारा 21 मई नूं कटौती गई है, इहदे नाल साडियां जेबां दे विच 200 करोड़ रुपये दे लगभग पैसा जिहड़ा पंजाब दा डीलरां दा चला गया। अगर कुल आपां गल करिए तां पंजाब दा 300 करोड़ दे करीब, तो जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान दा गल करिए 3000 करोड़ जिहड़ा हैगा टैक्स जिहड़ा भरिया सीगा एक्साइज ड्यूटी करना जेबां चों पंजाब गया पंपां दे लवे। हुण गल समझ आउंदी है वी साथों जिहड़ा एक्साइज ड्यूटी आ उह टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है ना, साथों सरकार ने टैक्स लैना है, असीं उपभोगता तों टैक्स इकट्ठा करके सरकार नूं जमा कराउणा। दूजे मामलों 'च की हुंदा, सरकार चीज़ दे दिंदी है बिल कट के, वो आपां गाहक तों लै लैंदे महीने दे एंड दे ते दुकानदार टैक्स भर दिंदा है, पर पेट्रोल डीजल दे उत्ते साथों सरकार कहंदी है वी एडवांस ही दे दिओ तुसीं, जिहड़ा टैक्स आ तुसीं बाद 'च कलैक्ट कर लिओ। पहली गल तां जी सरकार नूं टैक्स एडवांस दे रहे हैं जेबों, कलैक्ट असीं बाद 'च करदे हां, पहली गल तां यही गल स्टैप गलत है। दूजा स्टैप अगर देखा जाए तां टैक्स पूरा लै लिया, उन्होंने कटौती करती, प्रोडक्ट साढ़े को पिया, पर उहदा टैक्स साढ़े को फालतू जमा हो गया ना। जिहड़ा साडा वाधू टैक्स है एडवांस टैक्स उन्होंने को जमा होया, जिन्ना असी बेचता जिन्ना बनता जिन्ना असी लोगों तो ले लिया कट लैन, जिन्ना असी लोगों तो नहीं लिया वो सानू बनता वापस कर। तुसीं सौखे शब्दां दे विच माड़ा जिहा समझाउण की कोशिश करोगे कि जिहड़ा ताडे ते घटाया केंद्र ने ताडे पेट्रोल पंपां मालकां दी जेब ते किवें घाटा पिया सौखे शब्दां च? बिल्कुल सीधा ही शब्दों से भी एक गवर्नमेंट ने टैक्स लेना होंदा, जिवें मान लो एक्साइज ड्यूटी टैक्स के रूप से ले ली, सातों एडवांस उन्होंने टैक्स जमा करवा लिया, उदू बाद उन्होंने घट करता, घट करता तो असं भी रेट घट करता, रेट भी इन्होंने फिक्स करना, साढ़े हाथ से रेट फिक्स करना भी नहीं है। ये दो तरह कीमतों से फर्क पैंदा, जे क्रूड ऑयल की कीमत वधदी है कच्चे तेल की तो रेट वध जांदा है, जे घटदी है घट जांदा, वो साडा है, जे वधदा तां भी है घाटा तां भी, वो घाटा वधदा असीं नहीं मानते, गवर्नमेंट तो नहीं मंगते, वह घटता तां भी साडा, जे जे क्रूड ऑयल जीरो हो गया सी उदो चाहे 10 रुपये थां 50 रुपये घटा आंदे, असीं नहीं मंगते सीगे। पर जिहड़ा टैक्स भरिया गया एक इनकम टैक्स आपां सीधे शब्दों में कहीए, एडवांस टैक्स आपां भर दिंदे आ, आपां साल दे एंड ते रिटर्न भरदे आ, जदों रिटर्न भरी गई तां उदू बाद जिहड़ा बनदा वाधा घाटा आपां उह हिसाब करके लै लैंदे आ, जे आपणा बनदा तां आपां भर दिंदे आ, नहीं उह रिफंड करदे आ। इस करके असीं 26 तरीक नूं ऑल इंडिया दिल्ली दे विच असीं ऑल इंडिया एसोसिएशन दी मीटिंग कर रहे हैं, इहदे वास्ते असीं पेट्रोलियम मंत्री नूं असीं मंग पत्र देवांगे, कोई भी संघर्ष करना पिया किसी भी तरह का संघर्ष करना अपना हक लैण वास्ते असीं संघर्ष का राह अपनावांगे, चाहे सानूं मान जो कोर्ट वाल जाना पवे, चाहे स्ट्राइक करनी पवे, चाहे सानू रोस प्रदर्शन करना पवे, आपदे हक असी बनदा टैक्स असी हक मंग रहे हैं, कोई सबसिडी जां कोई रिक्वेस्ट नहीं मंग रहे, जां कोई असी खरात नहीं मंग रहे, जो बनदा हक है सरकार तो वही मंग रहे हैं, वो असी लेके रहांगे। तुसी इहदे लई कोई रणनीति तैयार कीती हैगी कि की करोगे जे सरकार सपोज करो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुहानूं जिवें पहले दस्सिया 26 मई नूं साडे ऑल इंडिया लेवल ते मीटिंग होनी है, जो डिसीजन लैणगे उस तरह उहदे विच इह वी हो सकदा वी सरकार तों असीं हर महीने किसी दिन रोस वजों प्रोडक्ट खरीदिए ना, पेट्रोल डीजल ना खरीद, हो सकता असीं घंटा दो घंटे वास्ते स्ट्राइक करिए, हो सकता रोस प्रदर्शन करिए, छोटे लेवल तो लैके वड्डे तक हरेक जो राह दे सानूं उत्तर दिशा निर्देश होंगे उहदे नाल चल के असीं रणनीति उस तरह चलांगे, पर असीं आपदा हक लैण वास्ते संघर्ष जरूर करांगे।
ਇਹ ਸਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।